भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते गुरुदेवाय ओं नमो भगवते शिशुअनंताय जगन्नाथ 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 पाहि माम 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 सुभद्राई 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 रक्ष माम सुभद्राई 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 रक्ष माम बलभद्र 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 पाहि 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 माम सुदर्शन 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 रक्ष माम सुदर्शन 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 रक्ष माम बलभद्र 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 पाहि माम बलभद्र 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 पाहि माम जगन्नाथ 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 पाहि माम सुभद्राई 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 रक्ष 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 माम जगन्नाथ 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 पाहि माम जगन्नाथ 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 पाहि जगतर नाथ जगन्नाथ जहांकर नाम आपण समस्ते जानी एवं जहांकर नाम को धरिबा मात्रे के ए जीव उद्धार पाई जाए आउ से जीवर कथा ही ए मनुष्य कहुची जीवेर उद्धार लागी नंद सुत हरी भुवन प्रकाश हन गुरु रूप धरी ए जीवर उद्धार करिबा पाई से ही प्रकाश पांती आमे सेइथिपाई आमे गत अध्याय रे श्रवण करूथले ये जीवनर गति कौन ए जीवनर गति कौन केवल खाइब पीब मृत्युवरण करिब ना ये जीवनर गति को जेमिते आमे चारि वर्ण रे आमे चारि जाति को आमे विभाग करिले एवं सेइ चारि जाति ही आम जीवन रे प्रतिफलित होउछि एवं सेही चारि वर्ण जेतेबेले आम भितरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ए चारि वर्ण जेतेबेले आम भितरे प्रतिफलित होइजिव सेतेबेले आमे कृष्णंकर नाम को स्मरण करि पारिबा कीर्तन करि पारिबा एवं श्रवण करि पारिबा आम भितरे ता होउछि कि जो माने भक्त जो मानक भितर भक्तिर भावना अच्छी जो मानक मन भितर निर्मल तो भावना रही सब प्रचेषा करती एसबु को पालन करने जाति भेदभाव न थाए आप देखते आम बहुत थर शुणीजे सालबेगर कथा आपत देखिए पूर्व थर गत थर जो रथजात्रा है से रथजात्रा समय रे देखिए मान रथजात्रा हबनी हब हबनी ये भितर चलला बेले जितेबले सुप्रीम कोर्ट को समस्ते लेखा दे प्रथम जन लेखा दे कि आप जान जो मुसलिम पिलाटी अल्प वयसर मुसलिम पिलाटी लेखा है रथयात्रा हो देखु तांकर लीला किमिति परिप्रकाश हो तांकर लीला कि भली आग को जीव से निजे चेष्टा करना कौन सी मनुष्य माध्यम यदि जातिवादर कथा थांता भगवान यदि जाति भितर सीमित रही था आम जाति भितर आम भितर अहंकार को आम जातिवाद भितर आम ले जाऊ किए एमती कर जातिवाद भितर बड़ किए एमती कर जातिवाद बड़ किए केवल भाव में कही कौ जाति बड़ बड़ कथा आम कही चलुचे किंतु एबे भी लोक मैंने खाइबापी मुठे दाना पाऊना एबे भी लोक मैंने अच्छा एबे भी पतिहरा माँ मान को असम्मान करा जाउछि मांगलिक कार्य रे से माने जदि जोग देबे ता अशुभ बोली कह जाउछि
जो मार गर्भरु गोटे संतान जन्म निए जो मार कथारे पुओटी गोटे भल मनीष हो जाए झीओटी गोटे भल मनीष हो जाए जो माँ को देवी बोली संबोधन करी मो भारत वर्ष जो माँ को पूजा करे भारत वर्ष ताकू मध्य आमर अंधविश्वास ही ताकू अपवित्र बोली कहिबा पाई पछौना तेणु प्रिय सज्जन भल भाव आपण चिंता करंतु तुम्हें कौन करुछ आपण मानंकु से मधुसूदनंकर गोटी पद को बारंबार कहे रियात्मन निद्रा परिहरी रे आत्मन तू निद्रा को परिहार कर निद्रा को परित्याग कर निद्रा को परित्याग करिचनी बोली तो जगतर नाथ जगन्नाथ पाखरे अनेक भक्त मान आसी केते बेले तुलसीदास आसी भगवान राम वेश धारण करिचनी निजे राम हो जाइचनी केते बेले गजानन पंडित आसी से गजा माने गणेश रूप धारण करिचनी केते बेले स्नान मंडप रे गजानन वेश धारण करंती त केते बेले केउ रूप को सि धारण कहा पाई ये भक्त पाई जमी आम प्रहलाद कथा श्रवण करुचे प्रहलाद पाई प्रहलाद भगवान नृसिंह अवतारण धारण कले से भगवान प्रतिक्षण रे प्रति समय रे किछि ना किछि रूप को धारण कर जणई दौंती जे कच्छप अवतार होती यही मनुष्य रक्षापी ए मानव समाज कल्याण देखु मीन अवतार होती मानव समाज कल्याण आम सूचे दौरान से प्रति भितर अच्छे सब भितर अच्छा आम अं कौच कौन ना तुम कहीं गाई काटुच कि आम छेली काटे पचेबूनि आम जिते बड़े भाविबा जे आम जीव हत्या बंद करवा से हत्या बंद हम जदि आम भितर से भावना उद्रेक न हो से पर्यंत आम जिते प्रयास कले सब प्रयास विफल हो सेतिपाई तो कुआ जाए ना हर देश में हर भेष में तू हर भेष में हर देश में तू जो वेश रे थाओ जो देश रे थाओ तुम्हें ही अच्छो तुम्हें केते वेश को धारण करी पारो जे जो वेश को धारण करी सब बेसरे तुम्हें अच सब भेसरे तुम्हें अच सब देशरे तुम्हें अच जो देश को गले तुम कथा ही रही जदि आम गीता कहूँ वायुर्जमग्नी वरुण शशांक प्रजापति स्तुं प्रपितामहस् वायुर्जमग्नी वरुण शशांक प्रजापति प्रपितामहस् नमो नमस्ते सहस्र कृत्वा पुनस्वभियोऽपि नमो नमस्ते नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वा पुनस्वभियोऽपि नमो नमस्ते वायुजमग्नी वरुण शशांक प्रजापतिस्तं प्रपितामहस् प्रजापतिस्तु नमस्ते तु सहस्र कृत्वा पुनश्चभियोऽपि नमो नमस्ते नमो नमस्ते तु सहस्र कृत्वा पुनश्चभूयोऽपि नमो नमस्ते वायुर्जमग्नि वरुण शशांक वायु से वायु भितर अच्छा वायुर्जमग्नि अग्नि भितर से अच्छा वरुण गीतार लेखाई वरुण मान समुद्र समुद्र भितर से अच्छी से ही
जल भाव से ही मेघ जानती वृष्टि प्रदान कर वायुर जमग्नि वरुण शशांक से ही आकाश से ही सूर्य सीए सब कथ निजे चिंता करूँ जी जो देशर अच्छा बिना सूर्य किए बंची बिना समुद्र किए बंची बिना अग्नि किए बंची किए कह बिना वायु किए बंची समस्त को बांधि रखी किए प्रिय सज्जन पूज्य गुरुदेव विश्व प्रेमी बलिया गोटे कथा मो मन को बहुत आनंद दे एक स्पष्ट कथा कही जो माने आपण माने श्रवण करुछन्ती आपण माने भल भाव मन रखंतु एवं जदि भी आपण पाखरे खाता अच्छी लेखंतु एवं जदि भी आपण फोन अच्छी आपण माने टिके रेकर्डिंग करी रखंतु ए कथा काहें कि ए कथा आपण को होची आपण माने देखंतु जीसस आसिले क्रिश्चियन धर्म को आरंभ कले ताले ता पूर्वर कोनसी धर्म थिला ना नथिला किसी थी सनातन धर्म थी आते बड़े सी आसिले एवं ख्रीष्ट धर्म करिले कौन सारा पृथ्वी केवल ख्रीष्ट धर्म हो जाए कि समस्त गोटे सूत्र बांधी है कि गोटे सूत्र रे जीसस बांधि पारे ना समस्त गोटे सूत्र रे ख्रीष्टियन धर्म बांधि पारे ना आसला मुसलिम धर्म आसिले अकबर अल्लाह अकबर कहले सी भी आसिले जो अल्लाह को डाकिले से अल्लाह को डाकिकी से गोटे सूत्र समस्त बांधि पारे कि समस्त गोटे सूत्र बांधि पारे हणा कटा मरा मरी पर्यटन चलला कि तथा बांधि पारे कि समस्त बांधि पारे किए भय धर्म परिवर्तन करि पारला किए धर्म भय ख्रीस्टियन हो गले किंतु आपण कहतु समस्त सारा विश्व रे कौन गोटे सूत्र बांधि कि गोटे सूत्र बांधि तापरे मन कर बुद्ध धर्म आसिले बुद्ध धर्म शांति प्रवाह कहले अहिंसार कथा कहले आपण निजे कहतु कौन गोटे सूत्र समस्ते बांधि गले कि कई गोटे सूत्र बांधि पारि ना समस्ते विभेद किए कौच राति प्रार्थना करने तो किए कौच दिन में प्रार्थना करने किए कहूँ जे आमे सूर्य को पूजा करूँ तो किए कहे आम चंद्र को पूजा करूँ जे जहाँ को भी आपन पूजा करूँ किंतु कई गोटे गोटे सूत्र बांधि पारे किंतु गीता जो कथा कहते वायुर जमग्नि वरुण शशांक प्रजापति प्रपिता महस्व नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भीयोपि नमो नमस्ते गुरु माने आसिले भारत वर्ष रे अनेक पुणी गुरु माने आसिले ठाकुर अनुकूल चंद्र हुवंतु निगमानंद हुवंतु भालु पद्मलोचन राजीव लोचन अलखित दास केते साधु संत माने आसिले से माने मध्य जो धर्मर प्रवाह कहिकी जो कथा कहिले भिन्न भिन्न कथा कहिले किंतु आपण जहाँ को देखु समस्ते कौन गोटे कथा तुम्हें सत्य पथरे चल जो धर्म हूँ कि जो गुरु हूँ किंतु गोटे सूत्र बांधिले किए गीता जहाँ को कहले से ही बांधिले वायुर्जमग्नी वरुण शशांक प्रजापति स्वं प्रपिता महस वायुर्जमग्नी वरुण शशांक प्रजापति स्वं एठी वायु ही समस्त गोटे सूत्र बांधि रखी आप चिंता करूँ से हिंदू हूँ मुसलिम हूँ ख्रीस्टियान हूँ वायुगुरु हूँ से जेकोसी धर्म हूँ बुद्धिस्ट हूँ वायु समस्त गोटे सूत्र बांधि रखी बिना निश्वास क्यों धर्म बंची मत कहतु किए कौना जे मुझे यही धर्मर मुझ निश्वास ने भी बंची तांकर से जो माने से माने कौन वायु को पूजा कर आम वायु को नई बंचू किए बंची पारे गोटे मिनट बंची पार किए कई बंची पारे अग्नि अग्नि गोटे सूत्र बांधि बिना अग्नि किए रोष करें कि से इलेक्ट्रिक चूला हूँ कि जहा अग्नि बिना अग्नि किए चली पारे वरुण समुद्र वर्षा जल जल बिना किए बंची पारे कि तेठी गीता जो कथा कही या वास्तव सत्य कथा जे बिना ये वास्तव में भगवान नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा
पुनश्च भिओपि नमनस्ते। एटि से वायु को अग्नि को प्रणाम करती आपण हूँ वास्तव धर्म आपण ये समग्र सारा संसार को गोटे सूत्र भितरे बांधि रखिछन्ति। आमे भाव सृष्टि करुचु भावरे कथा कहुचु किंतु आम जीवन जो भावरे लागिबा होचि से भावरे आमे लागुनु। आमे केते गुडी लोकंगु धरि देले आमे भाबि दउचु आमे हेगुलु भगवान किंबा आमे हेगुलु महापुरुष। वास्तवरे प्रिय सज्जन से कथा केबे बि नुह। हाँ यह मत भल पाती ये आपण भल पाइवा स्नेह किंतु भगवान गुरु ये हूँ स्वतंत्र किंतु वायु अग्नि ये हूँ सूर्य ये हूँ प्रत्यक्ष देवता ये हूँ आमपाई आम को प्रतिदिन देखुवा ठाकुर होने एम बल देखु सूर्य हूँ सकल शक्ति आधार कहीं कहला सूर्यंग ठारु प्रतिदि वृक्ष माने सूर्यंग ठारु ही खाद्य संग्रह करती किरण रु एवं से जो पत्र कोबी खाऊ आम बैगण खाऊ जहाँ खाऊ आम सूर्यंकर आलोक रश्मि की आम तर शक्ति को आम प्रत्यक्ष भाव न खाई पारे आम परोक्ष भाव आम खाऊे। मुनि ऋषि मैंने आगुरु शह शह वर्ष तपस्या करुले कौन खाई बचुले से सूर्यंकर रश्मि को निजर तपस्या बल ग्रहण कर बचुले कि खाऊ से अग्नि से वायु ही वास्तव में समस्त गोटे सूत्र बांधि रखिंट आमर जन्म आमर धर्म हो श्रेष्ठ धर्म हो सृष्टि धर्म आमे समस्ते सृष्टि धर्म रही मानव धर्म एवं सृष्टि धर्म हूँ बड़ धर्म आमे जिते जहाँ कले बड़ धर्म हो पारना भागवत कहते कौन कहे ये भागवत कथा लक्ष्य करने पड़ो। भागवत कहते केत धर्म को क्यों मैंने केत गुरुत्व देवे आम के गुरुत्व देवा भागवत कौन कहले जे नारी हरि भावे नीति सेवा करई निज पति गोविंद 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 पंथ गड़ुछि मकरंद से नारी लक्ष्मी प्राय होई पति रे हस्त हस्त देई गोविंद 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 पद गड़ुछि मकरंद पति संगते विष्णु लोके बसई आनंदे अशोके गोविंद 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 पद गड़ुछि मकरंद जे नारी हरि भावे नीति सेवा करई निज पति माने यार अर्थ सी भल कथा कहले जे नारी हरि भाव माने निज स्वामी की पूजा कर कि कौन यार अर्थ कौन केवल खाली नारी टी केवल आईला केवल से माँ जनक केवल निज पति को सेवा कर पतिर कौन कर्तव्य ना कि केवल पत्नी जे लक्ष्मी होगले चलोनी तुमको आग नारायण हाँपाई पड़ो तुम्हें जी नारायण हम तेल तुम पाखे आपे आपे आस लक्ष्मी पहुँचे जी तुम नारायण हैईन नारायण भली तुम हैईन लक्ष्मी भली आस कमी पहुँचे बर्तमान समाज से चलती आम समस्ते बाहर खोजा आप देखिए को मैंने पूरा तना घना करा खोजु थे से भल झीटे केमी आसब सत्यवान खोजा हो आम खाली सवित्री को खोली चलचे आम सवित्री को खोली खोजी चलीजे कि आम सत्यवान होगाक प्रचेषा करूनी तेणु प्रिय सज्जन से आज प्रहलाद से जापी आज से बुझीपारे पाखे अनेक राक्षस माने देवता माने असुर गंधर्व मानव सजक्ष समस्ते आज बुझीपे वास्तव में सचराचर से मो भगवान विद्यमान अच्छा आमे जो भाई भाव भावुचे भगवान एटी अच्छा से नाटी अच्छा भगवान से ना भगवान सबुठ विद्यमान सबुठे विद्यमान भगवान कौन सी जाति भितर ना एक बुझीपारे एवं आज प्रहलाद भगवान
ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନିଜ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପିତା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଲେ। ଅଳ୍ପ ବୟସର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଭକ୍ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଭକ୍ତ କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ହୃଦୟାରଧୀଶ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ। ଭକ୍ତ ହିଁ ବାନ୍ଧିପାରେ ମୁଝେ ସଂସାର ଅଛି ଛନ୍ଦି ଭକତ କରି ପାରେ ବନ୍ଦୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରଙ୍ଗ। ସିଏ ସଂସାରକୁ ଛନ୍ଦିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂସାରକୁ ଛନ୍ଦୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିପାରେ କିଏ ନା ଭକ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିପାରେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ତା ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା। ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା ତେବେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମେ ଯା ହୃଦୟରେ, କାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ? ବୈରାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା। ଯେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେ ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ସମ୍ଭବ, ଯେ ତା ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ ସେ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ? ତୁମେ ଯଦି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚ, ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଯଦି 100 ବର୍ଷ ଧରାଯାଏ, ସିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ 23 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପାଇବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ 23 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ 24ରୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହିବ। 24ରୁ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ରହିକି ନିଜର ସଂସାର କରିବ। କାରଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ, ମୋତେ ଅନେକ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ ଭାଇ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଯିଏ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ଡାକିକି କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବୁଲିବୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆପଣ ଭାବିବେ ସତ କଥା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଆସି କ'ଣ କରିବେ? ମୋ କର୍ମରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ କର୍ମରେ ଲଗେଇଦେବି, ମୁଁ କର୍ମରେ ମୋତେ ହାଲକା ଲାଗିବ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବି କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରିବି, ତୁମେ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ସେଇଟା କର, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ ନ କରିବେ, ସେମାନେ ଆସିବେ ଅବିବାହିତ ହେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ମୁଁ ସତ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ପିଲା। ସେମାନେ ଭଲ ପିଲା ଯଦି ବିବାହ ବୈବାହିକ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେବ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ସେହି ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା 41ରୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ରହିବେ, ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିବା 23 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବା, ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ସିନା କ'ଣ ଠିକ୍ ମାନେ ବାଟକୁ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ମାନେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ। କାରଣ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସମାଜକୁ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତରଦାତାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାହେଲେ ତିଆରି କରିବେ? ତାହେଲେ
ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷଟି ସେ ତା ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ସେ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଯିବ ସିଏ ସେଠି ଭଲ ପରିବାରଟିଏ ଗଢ଼ିବ। ପୁଅଟି ଯେଉଁଠି ରହିବ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାର ରଖିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ତମେ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହ, ତମେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ ନା କାହିଁକି, ତମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଅ, ଉତ୍ତମ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଯାଏ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ତମେ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ନିଜର କର୍ମବଳରେ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ, ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କର। ଦେଖିବ ତମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଜଣେ ଜଣେ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତମେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଏକୁ କେହି ନ କହିଲେ ଏ ସେବକ ଗୋପାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବ। ଆଉ ସେଇ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗାଇ ଉଠିବ କ'ଣ ନା, ଭଜମନ 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 ଭଜୁଠାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁନେ ବୋଲି ହରୁଥାରେ କଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁନେ ବୋଲି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁନେ ବୋଲି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁନେ ବୋଲି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଇ ମୁନେ ବୋଲି ହରୁଥାରେ